अस्सलाम वालेकुम। ये कब्रिस्तान है वादी हुसैन, जो कि कराची टोल प्लाजा से तकरीबन 1 आध किलोमीटर अंदर की तरफ है, सुपर हाईवे पे। तो यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ, मोहल्ले के एक अजीज़ की तदफीन में मैं आया। तो यहाँ पर मैंने कब्रें देखी, इस कब्रिस्तान को देखा, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो शूट करूँ कि जिस तरतीब और मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं, इसी तरह सफाई और सुथराई के साथ कराची के तमाम कब्रिस्तानों में कब्रें इसी तरह होनी चाहिए। देखें आप, ये देखें आप, बिल्कुल एक लाइन और लेंथ में, साथ में चलने की जगह भी है कि, और यहाँ पे मुझे ना ही कोई कुत्ता नज़र आया, ना ही कोई बिल्ली नज़र आई, ना ही इसी किस्म का कोई दूसरा जानवर नज़र आया। सफाई सुथराई है, तरीके से कब्रें बनी हुई हैं, साफ़ सुथरी कब्रें बनी हुई हैं। तो मेरी इल्तमास है महकमा औकाफ या इस तरह का कोई भी महकमा जो कि कब्रिस्तानों को देखता है, तो हमारे कब्रिस्तानों में अक्सर बेशतर बाउंड्री वाली नहीं होती और इसके अलावा सफाई का बिल्कुल नाकिस इंतज़ाम होता है। तो इल्तमास है, दुआ है कि काइंडली उस चेक करें। और जिस तरह ये वादी हुसैन नामी कब्रिस्तान में एक कब्रों की एक मुनज़्ज़म तरीके से कब्रें बनाई गई हैं, इसी तरीके से तमाम कब्रिस्तानों में मुनज़्ज़म तरीके से कब्रें होनी चाहिए ताकि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, क्योंकि बिलाआख़िर आना तो हमें इधर ही है। तो अगर ये पैगाम अच्छा लगा हो तो इसको आगे फॉरवर्ड करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।